हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सीताफल की उन्नत खेती, कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग। यदि आपकी भूमि कम उपजाऊ है, कम सिंचाई के साधन है दोस्तों, और आप उतनी ज़्यादा लागत लगाना नहीं चाहते हैं और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकालना चाहते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर एक बार सीताफल की खेती ज़रूर करें, यानी कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग। यह एक ऐसी फसल है दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल तरीके से ग्रो हो जाती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट, बाजार भाव, बहुत अच्छी कीमतें देखने के लिए मिलते हैं। तो आप कस्टर्ड एप्पल की खेती कैसे करें, कौन सी वैरायटी लगाएं और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें, आइए बात करते हैं दोस्तों डिटेल से। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें यदि वीडियो आपको पसंद आती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं। खरीफ सीजन पर जुलाई से अगस्त के महीने आप पौधरोपण करें। रबी सीजन पर दोस्तों आप नवंबर से दिसंबर के मध्य दोस्तों आप पौधरोपण कर सकते हैं। आइए बात करते हैं जलवायु के ऊपर। सीताफल की जो फसल है, ठंडे नम आद्र जलवायु की यह फसल है और शरद ऋतु की यह प्रमुख फसल मानी जाती है। टेम्परेचर कम से कम 8 से 10 और अधिकतम 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यह फसल सहन कर लेती है और अधिकतम 45 तक भी जाता है, तो कोई इस फसल को दिक्कत आने वाली नहीं है। भूमि और खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो सभी प्रकार की भूमि पर, कम उपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है, वहाँ पर भी दोस्तों आप है सीताफल के पौधे को लगा सकते हैं। सभी प्रकार की भूमि चल जाती, बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना जरूरी है। खेत की तैयारी में एक से दो बार आपको कल्टीवेटर से जुताई कराना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को, सॉइल को भुरभुरी करा लेना चाहिए। इस फसल पर बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वो भी तब जब हम पौधरोपण करते हैं तो बहुत मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर बाद में आप कम सिंचाई भी करेंगे तो यह फसल ग्रो हो जाती है, लेकिन पौधरोपण कर रहे हैं तो थोड़ा सा सिंचाई पर ध्यान रखिए, जिससे पौधा जो आप लगा रहे हैं, बागवानी लगा रहे हैं, तो प्रॉपर पौधा ग्रो ले जाए। तो फ्लैट एरीगेशन, ड्रिप एरीगेशन, स्प्रिंकलर एरीगेशन उपयुक्त हैं। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 15 से 20 दिनों के अंतराल पर और फ्लैट एरीगेशन से 20-20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए स्टार्टिंग के दिनों पर। उन्नतशील किस्म बहुत ज़्यादा डिपेंड है दोस्तों, कि कौन सी वैरायटी का हम चुनाव करें, कौन सी वैरायटी का हम सिलेक्शन करें। तो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म NMK1 गोल्डन वैरायटी के नाम से आती है, यानी NMK1 गोल्डन। इसके अलावा हाइब्रिड वाशिंगटन के नाम से आती है, एनोनॉस मोरिकाटा के नाम से आती है, इसके अलावा वाला नगर वैरायटी के नाम से आती है, अर्का सहन किस्म जैसी वैरायटी को दोस्तों आप लगा सकते हैं। यह पांच वैरायटी और पांचों में सबसे बढ़िया जो है दोस्तों एनोनॉस मोरिकाटा और NMK1 गोल्डन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। बेड विधि से खेती करें, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट बेड से, बेड की दूरी 12 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। कितनी दूरी पर पौधरोपण करें, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो आप किसी भी, पहले तो ट्रस्टेबल बागवानी से पौधे बाय कर सकते हैं और कोई महंगे पौधे नहीं आते सीताफल के। लान से लान की दूरी 10 से 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट रखिए। इस हिसाब से 1 एकड़ में 450 पौधे की आवश्यकता पड़ेगी। पौधरोपण किस प्रकार करना है, तो 1x1 का गड्ढा खोद लेना है और 15 दिन की तेज़ धूप लगा लेना है। उसके बाद आप गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, सरसों की खली का प्रयोग करना चाहिए पौधरोपण के समय। एक एक पौधे की पौधरोपण कर दीजिए, पौधा झुके ना या फिर गिरे ना, तो बांस के टुकड़े गड़ाकर बांध दीजिए। प्रॉपर पौधरोपण करने के बाद सिंचाई करिए, इस प्रकार पौधरोपण करना चाहिए। और जितनी ज़्यादा पौधे के पास, जड़ों के पास नमी रहेगी, पौधा उतनी ही अच्छी चाल और बढ़वार लेने वाला है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं। तो फसल पर जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखते हैं, जड़ों के पास केयर करते हैं, खरपतवार मुक्त फसल रखते हैं, उतनी ही अच्छी आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, फ़ायदा होगा। इसके अलावा खरपतवार ना उगे तो इंटरक्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं, अलग अलग सब्जियों को और फसलों को उगा सकते हैं। जैसे दोस्तों आप हरी सब्जियों को उगा सकते हैं, इसके अलावा
कंद वर्गीय फसलों को भी आप उगा सकते हैं और उन फसलों को भी उगा सकते हैं जिनकी ऊंचाई हाइट 2 फुट से कम रहती है, उन फसलों को आप उगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं अपनी सीताफल की फसल पर। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग, इसके अलावा सीताफल, शरीफा, अलग अलग नामों से भी दोस्तों जाना जाता है। इस फसल पर बीमारी भी कुछ आती हैं, जैसे खासकर मिलीबग आता है दोस्तों, और आने के लिए तो फिर पाउडरी मिल्ड्यू, झुलसा, स्कैब, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, हरा मच्छर, कटवर्म, सफ़ेद मक्खी, एंथ्रेक्नोज। कभी कभी बीमारी बहुत कम आती हैं और कभी कभी दोस्तों आ भी सकती हैं, तो प्रॉपर यदि आप खेती कर रहे हैं तो फिर देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसेक्ट आते हैं तो स्टिकी ट्रैप लगाएं और नीम ऑयल का आप स्प्रे लेते रहें एक एक महीने के अंतराल पर। फ्लावरिंग स्टेज से कम से कम 10 दिन पहले 200 लीटर पानी में 80 ml कल्टार NPK 0050 4 kg इन दोनों को घोल लेना है 200 लीटर पानी में, और जो आपने 400 पौधे लगाए हैं वहाँ पर आपको पूरा जो घोल है प्रयोग करना चाहिए सिंचाई के साथ। इससे बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग सेट होता है। अनार की फसल पर दोस्तों कटिंग करना, प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यानी कैनोपी मैनेजमेंट। यदि आप कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो पौधा एकदम लंबाई में नहीं बढ़ेगा बल्कि फैलाव में बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ, डालियों की संख्या देखने के लिए मिलेंगी। तो पौधे की कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी पौधा आपने ट्रांसप्लांट किए 12-14 महीने हो गए, फिर उसके बाद आपको कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पौधा लंबाई में बढ़ने की बजाय सीधा सीधा नहीं बढ़ता बल्कि फैलाव में बढ़ता है, 3-4 डालियाँ शाखाएँ लेकर बढ़ता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा डालियाँ रहेंगी तो ज़्यादा फल की संख्या देखने के लिए मिलेगा। इससे दोस्तों अधिक फल आएंगे जिससे आमदनी भी हमारी बढ़ने वाली है। तो कटिंग ज़रूर करें और कटिंग के बाद सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करें तो यह जो फसल है बहुवर्षीय क्रॉप है और 2 साल का पौधा फल देना शुरू कर देता है, यानी 2-3 साल का पौधा, 3 साल का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पर, काफ़ी अच्छी मात्रा पर हमको हार्वेस्टिंग फल देना शुरू कर देता है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि आप सिस्टमिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार खेती करते हैं तो प्रथम जो साल है, क्योंकि हर साल लागत नहीं लगने वाली, केवल 1 साल अच्छी खासी लागत लगेगी, 70,000 से 80,000 रुपये के आसपास ड्रिप का खर्च है, पौधे का खर्च है दोस्तों, प्लांटेशन का खर्च है, जो भी आप सिस्टम पूरा इंस्टॉल करा रखा है उस सबका खर्च 70,000 से 80,000 मिनिमम कम से कम लागत लगने वाली है। बाजार भाव 100 से 150 रुपए केजी तक का रेट देखने के लिए मिलता है कम से कम, इससे कीमतें ऊपर ही देखने के लिए मिलती हैं। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 90 क्विंटल के आसपास पैदावार होती है, वो इसलिए क्योंकि एक पौधे से 20 से 22 केजी फल हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलते हैं। 450 पौधे लगाए, यदि 450 में 20 का इंटू कर देंगे तो 9000 केजी यानी 90 क्विंटल पैदावार हुई। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सीताफल की जो खेती है सभी लागत को काट कर आप दोस्तों ये मान लीजिए 9 से 10 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अब 3-4 साल तो मान लीजिए, 3 साल तक तो मान लीजिए पौधा से उतना अच्छा हमको हार्वेस्टिंग, उतनी अच्छी पौधा विकसित नहीं होगा, तो उतनी अच्छी हमको यील्ड देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि कीमतें कम भी रहती हैं, पैदावार कम भी होती है, तो हमने 8-9 लाख रुपए बताए, आप ये मान लीजिए कि 6 से 7 लाख रुपए आप 1 एकड़ से बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं, कम लागत पर कमाई कर सकते हैं, और अच्छी खासी आप कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग से भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर बात करें, खाद के शेड्यूल के ऊपर बात करें, तो स्टार्टिंग के दिनों पर NPK 19-19 को आप चलाते रहें, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है, गोबरी खाद है, इसके अलावा और भी जो जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा जैसे आप खादों को प्रयोग कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया और उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, बीच बीच में जिंक सल्फेट का प्रयोग ज़रूर करें, और फ्रूटिंग स्टेज पर बोरोन और NPK 13-0-45 का स्प्रे जरूर लें। तो इस हिसाब से दोस्तों यदि आप सीताफल की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे और काफ़ी बढ़िया आप कमाई भी कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग से कमाई
अर्न कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बतलाया कैसे आप सीताफल की खेती करके ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और आपकी क्या राय है, क्या सीताफल की खेती करना एक प्रॉफिट का सौदा है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।